नमस्कार दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मेरा नाम है रविंदर और दोस्तों आज की वीडियो मैं आपको बताऊंगा एयरटेल एक्टिवेशन टारगेट के बारे में। यदि आप भी एक एयरटेल के रिटेलर हैं और आप भी एयरटेल में टारगेट आपने ले रखा है 35 सिम का या 100 सिम का या 50 सिम का, तो गाइस यदि आप भी अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पाते हो, आपसे एक छोटी से छोटी कोई भी गलती हो जाती है, तो आपका जो पैसा है, आपका जो कमीशन ओटीएफ मिलेगा, वो आपको नहीं मिलेगा। तो गाइस आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कंडीशन क्या रखी है एयरटेल कंपनी ने अपने टारगेट को लेके। तो गाइस वीडियो में बने रहे, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और यदि आप YouTube चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूले। और यदि आपने अभी तक हमें Facebook पेज पर फॉलो नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर लाइक और फॉलो कर सकते हैं और इसी प्रकार का वीडियो का आनंद आप वहां पर भी ले सकते हैं। तो गाइस बात करते हैं, जैसे मान लीजिए मेरा एक फ्रेंड था जो एयरटेल में एक्टिवेशन कर रखा था और जिसने एयरटेल का टारगेट ले रखा है 100 सिम का। तो गाइस यहां पर दोस्तों हुआ क्या कि उन्होंने जो है अपना ज्यादा से ज्यादा जितनी भी सिम उनको चालू करनी थी उन्होंने उतनी सिम चालू की। तो गाइस यहां पर जो उनका कमीशन एयरटेल कंपनी की तरफ से उनको नहीं दिया गया। तो गाइस यहां पर जो पता चला है, पूरी इन्फॉर्मेशन जो हमें मिली है, यहां पर जो हर रिटेलर को पूरी बारीकी से इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है। जैसे मान लीजिए आपके जो डीएससी है, आपके डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं, वो आपसे कहते हैं कि आपको जो है 100 सिम का टारगेट ले लीजिए या 50 सिम का टारगेट ले लीजिए या 35 सिम का टारगेट ले लीजिए। यहाँ पर जो ज्यादातर देखा गया 35 सिम का टारगेट दिया गया है और 100 सिम का ज्यादातर टारगेट दिया जाता है। तो गाइस यहाँ पर जो मैं आपको बता दूं, यदि आप 35 सिम का टारगेट लेते हैं और कंप्लीट आप 35 सिम का टारगेट पूरा कर देते हैं तो आपको यहाँ पर 50 रुपए पर सिम दिया जाएगा हर एक्स्ट्रा, यानी कि 297 का जो आपको ओटीपी दिया जाता है, साथ के सब सिम चालू हो जाती है, वहां पर आपको 75 या 77 रुपए दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों आपको अलग से 50 रुपया पर एक्टिवेशन दिया जाएगा एयरटेल कंपनी की तरफ से। तो गाइस यदि आप इसको अचीव कर लेते हो तब, और मैं आपको बताता हूं, यदि आप 100 के स्लैब में शामिल हैं, आपके डिस्ट्रीब्यूटर ने आपका नाम 100 में लिख रखा है और आपसे बोला गया है कि यदि आप 100 सिम यानी कि 100 सिम चालू करोगे तो आपको पर सिम का अलग से 100 रुपये दिया जाएगा, पर कंडीशन यह है कि आपको 297 रुपये की FRC करनी है सिम चालू करते समय। यहाँ पर दोस्तों आपको 75-77 रुपए तो साथ के साथ आ जाते हैं, बट आपको जो 100 रुपए है जो आपको नेक्स्ट मंथ जो आपके लापू में डाल दिया जाएगा एयरटेल कंपनी की तरफ से। अब उसकी कंडीशन के ऊपर जो बात रखी गई उसको ध्यान से सुने। तो गाइस यहाँ पे देखा गया, यदि मान लीजिए आपकी शॉप पर कोई 2G 3G वाला बंदा आता है मोबाइल लेके और आप उस पर 297 रुपए का FRC लगा देते हो, तो गाइस यहाँ पर जो है एयरटेल कंपनी की तरफ से आपको जो है 77 या 75 रुपए का जो भी आपको ओटीएफ मिलेगा साथ के साथ वो तो मिल जाएगा, बट यहाँ पर दोस्तों वो आपकी सिम जो है काउंट नहीं की जाएगी, वो जीरो हो जाएगी। ऐसी दोस्तों यहाँ पर दोस्तों देखा गया, यदि आपकी शॉप पर कोई 4G के लिए बंदा आता है और उस पर आप 297 रुपए की FRC ऐड करते हो और सिम चालू कर देते हो, तो गाइस यहाँ पर जो आपको कमीशन यानी कि कमीशन तो आपको मिलेगा बट वो आपकी जो सिम है वो काउंट की जाएगी। तो एयरटेल कंपनी की तरफ से दोस्तों ये बहुत बड़ा गेम है, या जितने भी मेरे रिटेलर भाई इस वीडियो को देख रहे हैं जो एयरटेल में एक्टिवेशन और टारगेट कर रहे हैं, यदि वो जो है 297 रुपए का FRC सेलेक्ट करते हैं खाली 4G हैंडसेट के लिए, तो गाइस यहाँ पर जो आपको 77 या 75 रुपए का कमीशन भी आएगा और 100 रुपए 1 सिम का उसमें जोड़ दिया जाएगा। तो गाइस यहाँ पर जो एक कंडीशन और रखी गई, जैसे मान लीजिए कोई कस्टमर है उसको 4G हैंडसेट है बट उसको सिम जो सस्ता लेना है, यदि आप 219 रुपए का आप उसमें जो है FRC सेलेक्ट कर देते हैं और सिम चालू कर देते हैं तो यहाँ पे दोस्तों वो जो है आपकी सिम काउंट की जाएगी, बट जो आपको 100 रुपीज अलग से दिया जा रहा है 100 वाले टारगेट की मैं दोस्तों बात कर रहा हूं इस वीडियो में, तो यहाँ पे दोस्तों वो जो आप काउंट तो की जाएगी, काउंट गिनती में तो आएगी बट आपको 219 रुपए की जो एक्टिवेशन FRC होगी उसका आपको कमीशन नहीं दिया जाएगा। तो गाइस यदि आप भी एयरटेल में टारगेट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको जो है ज्यादा से ज्यादा जो एक्टिवेशन करनी है वो 4G हैंडसेट के लिए करनी है। यदि आप पूरा अपना जो जितना भी पूरा कमीशन चाहते हैं, यानी कि 77-75 रुपए तो आपको एक्टिवेट सिम होते ही मिल जाएगा, बट आपको जो है यदि आप 35 के स्लेब में है तो आपको पर सिम 50 रुपए अलग से दिया जाएगा, उसका जोड़ने के बाद जो है आपका नेक्स्ट मंथ आपके लापू में डाल दिया जाएगा एयरटेल कंपनी की तरफ से। और बट यदि आप जो 100 के स्लेब में है तो गाइस यहाँ पर जो आपको यदि आप 100 अचीव कर लेते हो या 100 वाले में दोस्तों थोड़ी सी रियायत दी गई है एयरटेल कंपनी की तरफ से, यहाँ पर आप जो है 75 यदि आप कर लेते हो सिम चालू तो इसमें जी दोस्तों 75 में यदि 219 वाली भी FRC है और जो आपकी जो 297 वाली FRC है यदि वो 4G हैंडसेट के लिए है तो गाइस इसमें जो है आपको खाली 297 वाली FRC का ही पैसा आएगा। यदि आप 75 से नीचे रह जाते हैं
तो आपको एयरटेल कंपनी की तरफ से एक भी रुपए नहीं दिए जाएंगे। यही दोस्तों मेरे एक फ्रेंड के साथ हुआ, उसने जो है एयरटेल का टारगेट लिया था 100 सिम का, तो बट गाइस यहाँ पर जब उसको पता चला कि उसकी जितनी भी उसने एक्टिवेशन किए हैं उनमें से करीबन जिस हिसाब से उन्होंने किया था उसमें कम से कम 5-7 कम निकली है और उनका जो जितना भी कमीशन था यहाँ पर दोस्तों उनको लॉस कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए उन्होंने कुछ बंदों को जो 297 वाली FRC थी वो बंदे ने जो अपने कस्टमर को 250 रुपए में तक में दे दिया है। तो यहाँ पर गाइस जितने भी रिटेलर मेरे भाई देख रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा फोकस करें 4G हैंडसेट के लिए। यदि कोई बंदा 2G या 3G मोबाइल के लिए आता है तो उनको जो है आप मिनिमम 219 रुपए का देते हैं, तो यहाँ पर गाइस आपको लो झेलना पड़ जाएगा। तो गाइस यहाँ पर जो है जितनी कोशिश करें 297 रुपए की FRC डालने की कोशिश करें। तो गाइस मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको सबसे बेहतरीन टारगेट किस कंपनी का लगता है। एयरटेल का टारगेट अच्छा लगता है या जियो का टारगेट आपको लगता है अच्छा, या VI कंपनी का या BSNL का। तो गाइस यहाँ पर जो देखा गया है सबसे ज्यादा जो मार्केट में जिस कंपनी का भी टारगेट चलता है, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पर एयरटेल में टारगेट बहुत बेहतरीन चल रहा है, यहाँ पर जो जितने भी रिटेलर हैं मेरे आसपास में वो सब एयरटेल का टारगेट कंप्लीट कर रहे हैं। कुछ ऐसे रिटेलर हैं जो जियो का टारगेट कंप्लीट कर रहे हैं और यहाँ पर देखा गया कि यहाँ पर VI के भी टारगेट बहुत अच्छी तरीके से अचीव किए जा रहे हैं हमारे आसपास में। जैसे कि मान लीजिए आप जो एयरटेल के रिटेलर हैं, यदि आपके आसपास में कोई भी प्रमोटर भाई बैठा है तो उसको अपनी दुकान से दूर करें, क्योंकि दोस्तों यदि आपके आसपास में कोई भी प्रमोटर बैठा होगा ना ही आप ढंग से एक्टिवेशन कर पाएंगे ना ही आप MNP कर पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देखा गया है जितने भी प्रमोटर होते हैं वो एयरटेल के लिए दोस्तों एक बहुत बेकार दिन साबित हो जाता है। मान लीजिए मेरी शॉप है और मेरी शॉप के आसपास कोई भी प्रमोटर आके कैनोपी लगा के, जैसे कि आपको बताया कि 399 वाली MNP बहुत धड़ाके से चली, तो यहाँ पर देखा गया है कि कुछ लोगों के आसपास जो है प्रमोटर आके बैठ गए और उन्होंने MNP जो है फ्री में करनी स्टार्ट कर दी। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि रिटेलर जो है दोनों तरीके से कमाता है, क्योंकि दोस्तों वो सेल्स पे नहीं, वो यानी कि वो सैलरी पे नहीं है, वो अपनी अर्निंग के ऊपर चलते हैं, यानी कि उनको शॉप पर रेंट भी देना होता है, अपना भी खर्चा निकालना होता है। जैसे कि यहाँ पर देखा गया है कि रिटेलर जो है 399 की MNP को फ्री नहीं कर रहे थे। आपने किसी भी कंपनी के टारगेट में यदि आपने डबल कमाया है तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।